to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that in the अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ना, वो बड़ी मतलब कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं जो है ना, वो अपनी स्किन केयर वो शेयर करूँगी। एंड जी, हाउस वाइफ्स के लिए जो है ना, वो स्किन केयर को मेनटेन करना ना बड़ी मुश्किल बात है। और कई खवातीन ने ना उसका एक सोलूशन रखा होता है, वो जो होती हैं जी, वो जो मिक्स क्रीम्स वगैरह बना लेती हैं, और उसको वो तो भाई स्किन के लिए बड़ा ही वर्स्ट है। आप तो उसको भाई इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आपकी सेटिस्फेक्शन है तो आप करें, मतलब मैं तो नहीं करती, मैं इसको बिल्कुल भी सुजेस्ट नहीं करती कि आप जो है ना, मिक्स क्रीम का फॉर्मूला क्रीम है या किसी भी किस्म की वाइटिंग क्रीम है वो इस्तेमाल करें। तो मैं जो ना, इसको ना वीकली कर लेती हूँ, और टोटल ये ना घर की चीज़ों से बनी होती हैं। तो होता ही है कि फंक्शन आ जाए या किसी भी चीज़ पर जाना पड़े, हम फेशियल करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं या हम स्किन पॉलिश करवाते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है ना, वो बड़ा टेम्परेरी सा होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि जनाब, हम ना अपनी स्किन का कोई भी डेली तरीके से ना, जो हमने उसकी केयर नहीं कर रहे या वीकली, तो उसका रिजल्ट इस तरह से होता है कि स्किन जो पैचेस में ड्राई होनी शुरू हो जाती है। मतलब जैसे कि मेरी स्किन जो है ना, वो है कॉम्बिनेशन स्किन, टी जोन जो है ना, वो मेरा काफ़ी ज़्यादा ऑयली है और बाकी जो है ना, वो ड्राई है। तो बड़ा इसको ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कैरी करना। तो ये जो मैं सबसे पहले आपके साथ ना भाई, इसका एक बड़ा ही ईजी सा जो है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो क्लिंजर है वो ईजी सा, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आपके कॉम्बिनेशन स्किन है उसको बहुत करेगा। मेरे जैसे कि बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है भाई, बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे ओपन पोर्स हैं, मेरे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है। और इसमें जो है ना, वो मैं जो है ना ईजी इस्तेमाल करूँगी भाई। ये देखें, ये आलमंड ऑयल है, ये देखें, ये आलमंड ऑयल है, और ये नॉन कोमोडोजेनिक है। मतलब कोमोडोजेनिक जो होते हैं ना, वो हमारी पोर्स में जाते हैं ऑयल, वो जहाँ वहाँ पे जाके ना भाई अंदर जो है ना, वो जज्ब नहीं हो सकते या फिर वो वॉश नहीं हो सकते, हमारे पोर्स में जाके जम जाते हैं। और नॉन कोमोडोजेनिक ऑयल जो होते हैं ना, वो हमारे पोर्स में जाते हैं लेकिन जो है ना, हमारे किसी भी किस्म का नुकसान नहीं करते हमारी स्किन का, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। तो आपने ऑयली स्किन के लिए अगर कोई भी मतलब ऑयल इस्तेमाल करना है, ऑयल बेस आप क्लिंजर चाहते हैं कि होम मतलब घर में आप इस बना सके, तो उसमें या तो ये होगा कि ग्रेप सीड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर ये आप आलमंड ऑयल जो है ना, वो आप लेके ना तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जो क्लिंजर है ना, वो मैं बना रही हूँ, उसका जल्दी से आप जाके रेसिपी को चेक करें। पहले क्लिंजर आप यूज करेंगे ना, और उस क्लिंजर को ना आपने सिंपली जो है अप्लाई करना है, और उसको जिस तरह आप हाथ हल्के हल्के हाथों से आपने अप्लाई करना है, क्लॉकवाइज करना है, नोज को आप साफ करेंगे, उसके अराउंड जो है ना, वो बहुत ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं स्किन केयर ऐसे कर रही हूँ अब कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, वो फ़र्क इसका ना पड़ा हुआ है, और वो जो है ना, वो मेरी नाइट केयर स्किन केयर है। तो वो भी इंशाल्लाह होपफुली मैं ना आपसे बिल्कुल ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं जो है ना क्लिनिंग को यहाँ इस एरिया में ज़रूर जो है ना, वो साफ़ करती हूँ उसको, और साथ में जो स्क्रबिंग करती हूँ, और इसीलिए तक डेड स्किन भी उतर जाती है और सारी। और क्लिंजिंग को आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, और जैसे जैसे वो जो हमारा क्लिंजर जो मैं हमने बनाया हुआ है ना, वो
आहिस्ता आहिस्ता स्किन में पेनिट्रेट होगा, और उसका ये होगा कि जो वो ऑयल बेस हमने थोड़ा सा बनाया हुआ है, जैसे कि हमने आलमंड ऑयल इस्तेमाल किया हुआ है और साथ में ग्लिसरीन है, एलोवेरा जेल है, तो उससे जो हमारी ये जो है ना स्किन, जो डेड स्किन है वो जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे क्लिनजिंग से ना निकलनी शुरू हो जाती है। हाँ, आपने ना हाथों का दबाव जो है ना वो हल्का हल्का रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करना, इस तरह से बहुत जेंटली और आहिस्ता आहिस्ता उसको ना हम आप जो है ना वो नेक्स्ट वाला स्टेप पर जो है वो अप्लाई करेंगे, जो कि है जो मास्क और साथ में है स्क्रब। तो इसमें हमने हाफ ऑफ की रेशियो से ले लेना बेसन और साथ में राइस फ्लोर ले लेना, और राइस फ्लोर जो है ना वो इतना मतलब जो फाइन है ना वो नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा दड़ा दड़ा सा होगा थोड़ा सा, तो हमने सिंपल उसको लेना है और उसमें डालेंगे हम अर्क के गुलाब, और फिर बिल्कुल एक पेस्ट सा बना लेंगे, थिक पेस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने मास्क जो है ना वो सुखाना नहीं है, बस हम उसको 10 मिनट्स के लिए रखेंगे। तो बस हमने जी 10 मिनट्स के लिए इस मास्क को अप्लाई करना है, और 10 मिनट्स के बाद आपने, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि भाई हमने इस मास्क को सुखाना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट हमने अप्लाई करना है, और बस अप्लाई करेंगे 10 मिनट के बाद हमने इसको हल्के हल्के हाथों से बस जिस तरह से स्क्रब करते हैं, मतलब इसको दबाना नहीं है, जिस तरह मैं इसको बता रही हूँ कि इसमें ना थोड़े से दानेदार इसमें है ना राइस फ्लोर है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं आटा नहीं है इसका, बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसमें ना पार्टिकल्स हैं चावलों के, तो उसको आप हल्के हल्के हाथों से जनाब आप अप्लाई करें, मतलब उसको मसाज करें हल्का सा बस, और आपने सिर्फ इस मसाज को सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है, उससे ज़्यादा आपने ना इस मसाज को अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना, और बस उसके बाद आप चाहे उसको डैम टावल से जो है वो क्लीन कर रहे हैं या माइक्रोफाइबर टावल से आप यूज़ कर लें, और या मेरी तरह आप थोड़ा सा उसको टावल से उतार लें उसके बाद आप धो लें, ये सबसे आसान तरीका रहता है। तो जनाब होपफुली सब लोगों को आज की मेरी छोटी सी कावश है ना वो ज़रूर पसंद आई होगी, और ये सब जो है ना वो हाउसवाइफ जो कि मेरी तरह जो अपने कामों में गुम रहती हैं उन लोगों के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इससे आपकी स्किन जो है वो टाइट होगी और फर्म होगी, और राइस फ्लोर तो जो है भैया आजकल तो धूम मची हुई है इसकी। तो इन सब जो चीज़ों की इंफॉर्मेशन के साथ साथ जनाब मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैंने क्या कह रहा था, और कुछ भी नहीं भैया, आप सब्सक्राइब कर दें तो यही मेरे लिए जो है ना मेरे लिए यही सबसे बड़ी आपकी सपोर्ट है, तो भैया अपनी बहन को सपोर्ट करें और लाइक करें और शेयर, और जो भी ये स्किन केयर देख रहे हैं ना जनाब उसमें चाहे मेल है या फीमेल है वो ज़रूर इसको अप्लाई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों के लिए कैसे रही है। बहरहाल मेरा स्किन तो जो है ना इस वक्त बिल्कुल लशपश कर रही है तो आप भी ये वाली ना स्किन केयर जो है ना छोटी सी है, बल्कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है कि आप इसको कहें कि 5 to 7 स्टेप इसमें आ रहे हैं, सिर्फ 2 स्टेप हैं और आप इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है ना अचीव कर सकते हैं अपनी स्किन को। और जनाब मेरे चैनल को, जैसे कि पहले मैंने कहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करेंगे, मिलेगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।